सोचो आप गली में हो, घूम रहे हो और ऊपर देखो तो छत पर दुनिया का सबसे बड़ा सांप आपको रेंगता हुआ दिखाई दे। नदी में तैरते हुए बड़े बड़े सांप तो सबने देखे हैं, लेकिन अगर बीच पर नहाते हुए आपको एक एनाकोंडा दिख जाए तो क्या? लेकिन एनाकोंडा तो कुछ भी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे विशाल काय सांप के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटनोबोआ के बारे में। क्या ये आज भी हमारी दुनिया में वापस आ सकता है? लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस नाम टाइटनोबोआ के पीछे का सीक्रेट क्या है। तो क्या आपको ये पता है कि ये नाम टाइटैनिक नाम के शिप के ऊपर रखा गया था? जैसे टाइटैनिक इतिहास का सबसे बड़ा जहाज रहा है, वैसे ही टाइटनोबोआ इतिहास का सबसे बड़ा सांप रहा है। खैर आज के समय में टाइटैनिक तो नहीं है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हो सकता है हमारी इस दुनिया में टाइटनोबोआ हो सकता है कि वो इंसानों की नजर से छुपा हुआ हो सकता है कि वो वापस आ जाए और इंसानों का खात्मा कर दे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है वैज्ञानिकों ने। तो भैया सांप भले ही छोटा हो या बड़ा, वो खेलने की चीज नहीं होती। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात कहां समझ में आती है? जिस दिन ये मोटा सा सांप इस लड़की के गले में लपेटा मारकर इसको लपेटे में ले लेगा ना, तब समझ में आएगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसको इसके हाल पर छोड़ते हैं और शुरू करते हैं एनाकोंडा के पिताजी टाइटनोबोआ का आज का फाड़ू वीडियो। ये वीडियो है ब्राजील का। यहाँ पर बोट में बैठा एक बूढ़ा और ब्रेव मैन सांप के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो सांप नहीं बल्कि रस्सी का टुकड़ा हो। खैर ये टाइटनोबोआ के बच्चे एनाकोंडा के बच्चे का बच्चा है, मतलब ये छोटा भीम है, नहीं तो अभी तक ये इंसान जिंदा नहीं बचता। अच्छा, क्या आपको पता है कि सन 2009 से पहले इस दुनिया को टाइटनोबोआ के बारे में पता ही नहीं था। वर्ष 2009 में इस सांप के बारे में पहली बार पता चला। कोलंबिया में एक खुदाई के दौरान इस सांप के 28 ढांचे मिले, जिनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बड़ा कोई सांप कभी देखा ही नहीं था। और इसके बाद इसका नाम रखा गया टाइटनोबोआ। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, आपने अभी तक 1 मीटर, 2 मीटर या 10 मीटर लंबे सांपों के फोटो देखे होंगे, लेकिन ये सांप है करीब 30 मीटर लंबा। और ऐसा ही एक फोटो है साउथ ईस्ट एशिया का, जो खींचा गया था आइसलैंड ऑफ बोर्नियो में। इन दोनों फोटोग्राफ्स को ये तो पता चल जाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांप हैं, लेकिन चूंकि ये फोटोग्राफ्स हैं, इनके फेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों फोटोग्राफ्स में से आपको फेक कौन सी लग रही है। टाइटनोबोआ की तुलना में दुनिया का कोई सांप नहीं है, यहाँ तक कि उसके सामने एनाकोंडा भी बस एक सामान्य सांप ही है। टाइटनोबोआ का जन्म डायनासोर काल के करीब 10 लाख साल बाद धरती पर हुआ था, और ये सांप पूरे जंगल पर राज किया करता था। माना जाता है कि इसकी लंबाई 50 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, और इसका वजन 1500 किलो या इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा फोटो दिखाता हूँ जिसे यूएसए के CIA ने खुद पब्लिश किया था। ये फोटो है 1959 का, और ये लिया गया है कॉन्गो अफ्रीका में। और यहाँ पर जो सांप आपको दिखाई दे रहा है वो रियल है, 59 मीटर लॉन्ग। मतलब सोचिए कि अगर इतना बड़ा सांप शहर में आ जाए तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी को यूं ही खा जाएगा। टाइटनोबोआ एक ऐसा सांप था जिसका फेवरेट फूड था मगरमच्छ, और ये मगरमच्छ को बिना चबाए ऐसे ही निकल जाते थे। और आप खुद सोचो उस समय टाइटनोबोआ के जमाने में मगरमच्छ भी कितने बड़े बड़े होते होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रीजन है वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि टाइटनोबोआ जैसा विशालकाय सांप वापस हमारी दुनिया में आ सकता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये वीडियो जो कि समारा का है। ये एक बिल्डिंग के ऊपर का वीडियो है जहाँ पर सांप छत पर घूम रहा है, और ये लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा सांप है। अगर आपको नहीं पता तो समारा एक रशियन सिटी है, और उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने जब इस सांप को देखा तो उसने तुरंत इसका वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया। बाद में इस सांप को रेस्क्यू टीम द्वारा पकड़ लिया गया और इसको वापस जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा सांप अभी भी हमारे बीच मौजूद है। आपको क्या लगता है, अगर इतना बड़ा सांप कभी आपको अपनी छत पर रेंगता हुआ दिखाई दे जाए तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसे अगर मुझे अपनी छत पर इतना बड़ा सांप दिखाई दे तो मैं क्या करूंगा बताऊं? मैं क्या करूंगा भाई, जो करना है वो सांप ही कर लेगा। मजाक कर रहा था, मैं तो वहां से 9-11 हो जाऊंगा। अब बात करते हैं क्या वाकई में टाइटनोबोआ जैसा सांप वापस आ सकता है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें गर्म वातावरण पसंद होता है। एक समय पर जब टाइटनोबोआ का जन्म हुआ था तब धरती का तापमान बहुत ज्यादा था, और अब वापस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से करीब 180 सालों में धरती का तापमान और ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले साल ही वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की थी कि ये सांप अमेजोन की नदी में कहीं हो सकता है। हालांकि इस बात के अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट गर्म होता जाएगा इस तरह के बड़े बड़े जीवों के वापस आने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी।
इसीलिए कहते हैं भैया पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करो। अगर गर्मी से नहीं मारे तो टाइटन अब बुआ मार डालेगा। अगर वैज्ञानिकों की कही बात सच साबित हो गई तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो मंजर कितना खतरनाक होगा। हालांकि सांप आज भी हमारे आसपास रहते हैं, ये बात अलग है कि हम उनसे छुपकर नहीं, वो हमसे छिपकर रहते हैं। लेकिन जिस दिन उनका साइज हमसे बड़ा हो गया, उस दिन तुम्हें मेरे इस वीडियो की याद आएगी कि काश हमने गौरव की बात सुनकर दो चार पेड़ लगा लिए होते। खैर शुक्र है कि सांप अभी भी हम लोगों से छिपकर रहते हैं, समुद्र में, जंगलों में, नदियों के अंदर। तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज की टेंशन लेनी है कि भाई हमने अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मारो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। अगला वीडियो हमारा आने वाला है माइनक्राफ्ट के ऊपर, माइनक्राफ्ट की क्रीपी सीड्स, जैसे कि ब्लड मून 666। यहां पर पहले दिन तो सब कुछ सही रहता है जब आप यहां पर स्पॉन होते हो, लेकिन उसके बाद यहां चांद लाल हो जाता है जिसे ब्लड मून कहा जाता है। जब बारिश होती है तो वो खून की बारिश होती है और नदियों का पानी ब्लड बन जाता है। और ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी क्रीपी सीड्स है माइनक्राफ्ट में जिनके बारे में बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। तो भैया अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखना। देन गुड बाय, टेक केयर।